हाय, दिस इज कमर ढिलन, आपका अपना शिवा पंड्या, और आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूस पर। फर्स्टली वेलकम टू फीफा फूस। थैंक यू। शिव को काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब से हमारा पंड्या स्टोर शुरू हुआ है, शिवा को प्यार हमेशा से मिलता है, और डे बाय डे, महीने भर महीना, हफ्ते भर हफ्ते प्यार बढ़ता ही गया है। और बस आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। देखते देखते 2 साल होने आए पंड्या स्टोर को, और इस शो ने मुझे पर्सनली बहुत कुछ दिया है। सो या, आई एम ऑलवेज थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। एग्जैक्टली 2 साल होने हैं, कितना आप एंजॉय करते हैं शिवा के कैरेक्टर? मैं तो रोज एंजॉय करता हूँ, मैं तो जीता हूँ शिवा को। एंड आई थिंक लोगों को इसलिए वो कनेक्शन भी हो जाती है, क्योंकि बहुत ही रियल लगता है लोगों को। एंड आई थिंक आई ट्राई एंड प्ले शिवा टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज, एंड या मुझे बहुत पसंद है शिवा पंड्या, बहुत क्लोज है और रहेगा मेरे दिल से हमेशा। क्या कुछ अपकमिंग आने वाला है, आप अगर बता सकते? कुछ अपकमिंग अब फिलहाल तो नहीं है, एक आधी बातें चल रही थी म्यूजिक वीडियोज़ की, बट सिंस मेरी इंजरी हो गई थी वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। बट आई होप आगे आगे कोई ना कोई म्यूजिक वीडियो इंटरेस्टिंग सा आए और मैं करूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन द रियलिटी फ्रंट अगर आप पूछे, अभी फिलहाल कुछ नहीं है, जब होगा तब आपको पता चल जाएगा। बिग बॉस की बात ना चाहूंगी, कितना फॉलो कर पाते हैं बिजनेस के लिए? जैसे जैसे टाइम मिलता है देख लेता हूँ, ग्लिम्सेस हियर एंड देयर, या जब घर पे होता हूँ तो एपिसोड देख लेता हूँ। इट्स फन, मजा आ रहा है, गुड मिक्स ऑफ कंटेस्टेंट्स, एंड धीरे धीरे सबका असली रूप बाहर आ रहा है, तो मजा आ रहा है देखने में। सभी का आ रहा है आई थिंक, इनिशियली 1-2 हफ्ते तो सब सेफ प्ले करते हैं, असली रूप तो जैसे जैसे फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती हैं, झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सर्वाइवल पे बात आती है, तब असली पर्सनालिटीज बाहर आती हैं। सो या, लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है शो में। सुमुल की अगर बात करें तो स्टार्स का चेहरा रह चुकी है, और साथ ही साथ आप लोग का मिलना जुलना भी रहा है स्टार परिवार में, तो क्या कहना चाहेंगे, वो कैसी आपको लग रही है? सुमुल बहुत बढ़िया है यार, सुमुल इज अ नाइस गर्ल, आई थिंक वो बहुत यंग है, एंड दैट्स द रीज़न शी इज थोड़ा ऐसे दब जाती है लोगों से, बट आई थिंक वो भी उसकी एक अलग पर्सनैलिटी दिखा रही है शो में। आई होप शी बाउंसेज बैक, एंड बहुत रिमाइंडर्स मिल गए उसको ऑलरेडी, एंड आई होप शी डज वेल। माई बेस्ट विशेज विथ हर, विथ शालीन, श्रीजा भी मेरी दोस्त है पर वो बाहर आ चुकी है, बट आई होप ऑल ऑफ देम डू वेल एंड द बेस्ट वन विंस। यार मैंने उसे बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेट में इंटरेक्ट किया है, स्टार परिवार एक बहुत ही अलग शो है, अलग फॉर्मेट है, आई थिंक बिग बॉस थोड़ा इंटिमिडेटिंग है, थोड़ा अलग फॉर्मेट है, सो जो भी रियल साइड है वो सब जानते ही हैं सुम्बुल की, अब मैं अलग से क्या बताऊँ। आई जस्ट होप शी रियलाइजेज हर ट्रू पोटेंशियल एंड शी ओपन्स अप एंड अपना अलग साइड दिखाए वो जो वो है। जोड़ियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, देखते हैं कौन टिकता है फिनाले तक और बाहर आके। मुझे लगता है गौतम एंड सौंदर्य आर, टू मी दे लुक रियल, आई मीन द फीलिंग्स आर रियल, एंड आई होप कुछ हो जाए उनका। या नो, आई डोंट नो, आई मीन मुझे नहीं पता, थोड़ा मिसमैच है। व्हाई? मतलब थोड़ा मिसमैच है, आई जस्ट थिंक वो कनेक्ट नहीं है, आई थिंक वो थोड़ा फोर्स्ड लग रहा है, एंड आई थिंक वो थोड़ा बेचारा दब जाता है बहुत, बट आई डोंट नो, बहुत बहुत अनप्रेडिक्टेबल लोग रहे हैं जो कपल बन के निकले हैं बिग बॉस से, सो आई डोंट थिंक मेरा सही रहेगा कमेंट करना। विनिंग क्वालिटी आपको किस में लग रहा है? शिव, शालीन, अब्दू एंड गौतम, एंड प्रियंका इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अगर आपको बिग बॉस के घर में जाना पड़े, अभी जब तक स्टार के साथ तब तक नहीं जा सकता, जब मिलेगा तब डेफिनेटली सोच सकता हूँ। या क्या आपको लगता है मैं बिग बॉस कर सकता हूँ, कमेंट्स में बताइए।